अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार, साबिका डिप्टी मेयर और आम आदमी पार्टी के कलबुर्गी सिटी प्रेसिडेंट, बड़े खुशी से, दिल की गहराइयों से इस मर्तबा आपको मैं ईद उल फितर की, रमज़ान की, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि माजी में दो साल हम आप सब जो है परेशान रहे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हम ईद मना नहीं सके, एक दूसरे को मुबारकबाद दे नहीं सके, मिल नहीं सके, तो ये बड़े हमारे लिए अफसोस की बात रही। आज अल्लाह ताला के फजल करम से वबा ख़त्म हो चुकी है और हमारे खुशियों के दिन आ चुके हैं। तो इस खुशियों के मौके पर, ईद के मौके पर मैं मेरे पार्टी आम आदमी पार्टी के जानिब से और मेरे जानिब से आप तमाम को ईद की मुबारक, ईद रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ बसव जयंती भी है, मैं बसव जयंती के अवज में भी आप तमाम को, मेरे भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम तनाज़ों में फंसे रहे, परेशान रहे, कभी हिजाब, कभी मॉब लिंचिंग, कभी और कोई मसला, ऐसे मसाइल में हम उलझते रहे, अज़ान का हो, मस्जिद के माइक का हो। तो आज आम आदमी पार्टी इन तमाम मुद्दों से हटकर, इन तमाम मुद्दों को ख़त्म करके सिर्फ आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहती है, सिर्फ आवाम के लिए काम करेगी। जैसा कि दिल्ली में दिल्ली मॉडल बनाए, पंजाब दिल्ली मॉडल पर पंजाब जीते, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी जी, आज हम कर्नाटका पे इतना कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन वो तवज्जो इसलिए दे रहे हैं, हमें आप आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं, आप अपने लिए वोट इस्तेमाल करना है, वोट देना है, अपने फ़ायदे के लिए वोट देना है। वो फ़ायदा अगर कोई दिला सकते हैं तो आज हिंदुस्तान में सिर्फ आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी और हम आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी जी है। तो मैं आप तमाम से इस मौके पर, इस ईद के मौके पर, खुशियों के मौके पर, जो आज हम शुरखुरमा पी कर, शुरखुरमा बनाकर हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब गले मिलते हैं, ये जो हमारी मिलन है, इस मिलन को हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा और आगे भी सोसाइटी में, आम जिंदगी में हम ये मिलन, हम खुशियाँ बरकरार रखेंगे, हिंदू मुस्लिम के तनाज़े को ख़त्म करेंगे, हिजाब के तनाज़े को ख़त्म करेंगे, ये जो दूसरे मसाइल हमारे सामने हैं उस तमाम को ख़त्म करेंगे और आपके लिए काम करेंगे, बहनों के लिए काम करेंगे। आप दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 300 यूनिट का मतलब है 3,500 से 3,000 जो है ना हर फैमिली को फ़ायदा होने वाला है। और हर घर के खातून को, तमाम जितने भी हमारे बहनें हैं 18 साल से उम्र ज़्यादा उम्र वाले, उन हर खातून को 1,000 रुपये पेंशन मिलेगा। आज दिल्ली में मिल रहे, पंजाब में मिल रहे, अगर आप कर्नाटका में भी ले, इसका जो है ना हम शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी आने की सरकार आई तो इसके लिए। और पानी एकदम फ्री, मिनरल पानी आपके नलों में आएगा, ये आम आदमी पार्टी का वादा है। फ्री 20,000 लीटर हर महीना पानी देंगे। स्कूल आपके बच्चों के लिए इंटरनेशनल दुनियावी मियार के स्कूल बनाएंगे, गुलबर्गा में बनाएंगे, कर्नाटका में बनाएंगे। तो स्कूल की फीस आप हर महीना
जो खर्चा करते हैं हर साल एक बच्चे के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपया खर्चा हो रहे, वो पैसे आपके बचेंगे। हेल्थ दवाखाना, वो पैसे आपके बचेंगे। फ्री फ्री हेल्थ रहेगा, फ्री तो सेहत रहेगी, फ्री जो है ना आपके लिए दवाखाना, मेडिसिन हर चीज़ रहेगी। ऑपरेशन छोटे से लेकर बड़े ऑपरेशन तक जो है ना, दिल्ली में 20,00,000 रुपये बिल आए तो भी फ्री होता है, यहाँ कहाँ होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम उन काम को अंजाम देने के लिए इस ईद के मौके पर मैं आपसे अपील करता हूँ, आप अपना मन बनाइए, आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। आम आदमी का पार्टी का साथ देना अपने आप का साथ देना है, अपने आप की तरक्की के लिए वोट देना है। अल्लाह हाफिज़, जय।